समेत पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में उम्मीदवार और पार्टी नेता जीत के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पहले की तरह अब की बार चुनाव में पंपलेट, बैनर और पोस्टर तो नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन इस बार सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है। साथ ही देव स्थलों पर पहुंचकर विजय प्राप्त करने की दुआएं मांगी जा रही हैं। आज जनसत्ता दल के मुखिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कौशाम्बी पहुंचे। बीजेपी के सिवा गैर पार्टियों को सवाल सुनाई नहीं दे रहा थोड़ा। बीजेपी के लोग कहते हैं जो बीजेपी के सिवा गैर पार्टियों को वोट देंगे वो आतंकवादियों को वोट देंगे। देखिए किस पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, न ये सुनने की हमारे पास फुर्सत है और न कोई रुचि है। देखिए कौशाम्बी लोकसभा के अंदर इस पार्टी ने जन्म लिया है, जनसत्ता दल कौशाम्बी के सम्मानित नागरिकों के भरोसे और प्रतापगढ़ के सम्मानित नागरिकों के भरोसे चुनाव लड़ रही। यहाँ से कौशाम्बी से शैलेंद्र जी हैं प्रत्याशी और प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे जो उसको एक सांसद के रूप में मिलती है, और जनता के बीच में उपस्थित रहे, हर दुख सुख में, हर समस्या में वो निदान करने का प्रयास करें। ये हमारी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं। और आजकल आप देखते होंगे टीवी पे डिबेट हो रहा है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे जनता की कोई भलाई नहीं है। जनता की भलाई जनता के बीच में रह करके उनके बीच में काम करके होती है। अभी सपा प्रत्याशी आपके बाबागंज में एक सभा में कहा कि पूरा देश तो आजाद हो गया लेकिन बाबागंज कुंडा भी आजाद नहीं हुआ, ऐसा कुछ है? इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, बाबागंज का कुंडा आइए और देखिए। इससे पहले एक सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमको सपा बसपा कांग्रेस और भाजपा के हम प्रवक्ता नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं उसका मतलब उनसे पूछिए। हम जो कह रहे हैं हम उसका मतलब जानते हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक को मौलिक अधिकार, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, किसी का शोषण ना हो, और जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहे और सुख दुख बांटने का काम करें, जहां जात पात का कोई भेदभाव न हो। ये हमारे दल जनसत्ता दल का मूल सिद्धांत है। अब उनसे क्या, कौन प्रवक्ता क्या कह रहा है उसके ना हम जिम्मेदार हैं, ना हमको कोई जानकारी, ना हमें फुर्सत। पार्टी अभी कितने प्रत्याशी और घोषित करने वाली है? अब देखिए एक तो समय कम है, मुख्य लक्ष्य हमारा 2022 का असेंबली का चुनाव है। अभी करीब 10 से 15 दिन पहले चुनाव निशान आवंटित हुआ है फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी। तो अगर समय होगा तो ज़रूर और जगह घोषित किया जाएगा। कई ज़िलों से आ रहे हैं लोग जो चाहते हैं, एक से अधिक आवेदन वहां से प्राप्त हुए हैं जो लोग संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर कार्यकारिणी बैठेगी और जल्दी ही निर्णय किया जाएगा। क्या अभी बीजेपी से गठबंधन? हमने किसी से गठबंधन का कोई प्रयास नहीं किया। हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जगह जगह लखनऊ में, कौशाम्बी में, हर जगह बोलते रहते हैं और उन मुद्दों से कोई समझौता नहीं। इस बार चुनाव प्रचार का तरीका बदला नजर आ रहा है। पहले चुनाव में मतदाता को भगवान माना जाता था, सबसे पहले प्रत्याशी उनके पास जाता था, इस बार मंदिर और बाबा के दरबार गुरुद्वारा लोग जा रहे हैं। नहीं देखिए, संतों का, फकीरों का आशीर्वाद, ये सबके सर, ये जो ये तो हमेशा हम सामना करते हैं कि हमेशा हमारे और हमारे शुभचिंतकों के, हमारे मित्रों के, सभी लोगों के सर पे उनका आशीर्वाद रहे। तो चुनाव तरीका हमारा नहीं बदला और किसी का बदला हो तो हम नहीं जाते।